पंजाब स्टेडियम में कबड्डी का आलमी मुकाबला, पाक भारत कबड्डी टाकरा। थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान और भारत के पहलवानों में पड़ेगा जोर का जोर। तीसरे पोजीशन के लिए पाकिस्तान वाइट और ईरान की टीमों के दरमियान मैच जारी। शायकीन पुरजोश, घोड़ डांस का शानदार मुजाहिरा। ढोल की थाप पर भंगड़े, ईरानी टीम को बगियों पर बिठाकर ग्राउंड का चक्कर लगवाया गया। जनूबी पंजाब के लिए मिनी सिविल सेक्रेटेरिएट के कयाम का मामला, वजीर अला पंजाब की मंजूरी के बाद फंड्स भी तजवीज। 50,08,62,000 रुपए मुख्तिस करने की तजवीज। तनख्वाहों और अलाउंसेस की मद में 23,90,00,000 और ऑपरेटिंग अखराजात के लिए 21,18,00,000 मुख्तिस करने की तजवीज। अफसरान के लिए 1300 सीसी 8 गाड़ियां और 1000 सीसी 13 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए PND बोर्ड तश्कील। PMS एसोसिएशन का सालाना इंतखाब, पोलिंग का अमल जारी। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन और प्रोग्रेसिव पैनल ग्रुप मद्दे मुकाबिल हैं। सदर के अहदे के लिए नवीद शहजाद और सैयद जफर हुसैन आमने सामने। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। आमदन से जायद 10,000 का केस, शरीफ खानदान के खिलाफ एक और केस की तैयारी शुरू। हुंडी के जरिए करोड़ों रुपए मुंतकिल करने का इंकशाफ। हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ मुतअद्दिद अफराद ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। पंजाब हुकूमत का कायमा कमेटियों के अरकान की तादाद बढ़ाने का फैसला। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और इस्तेहकाक कमेटी के अरकान की तादाद 14 से 17 करने पर गौर। दीगर कायमा कमेटियों के अरकान की तादाद 10 से बढ़ाकर 11 करने का फैसला। मुजवजा तरामीम असम्बली के कल होने वाले इजलास के एजेंडे पर मौजूद। प्रोडक्शन ऑर्डर के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में अहम पेशरफ। प्रोडक्शन ऑर्डर के इख्तियार की तरमीम कल असम्बली में पेश की जाएगी। पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप का मामला, पंजाब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुजाकरात का एक और दौर तय। हुकूमत और अपोजिशन कायमा कमेटियों के मामले पर बुध के रोज बैठक। हमजा शहबाज को PAC की चेयरमैनशिप देने का मामला जेरे गौर आएगा। इंसाफी मेंबरानी असम्बली भी लीगी MPS के नक्शे कदम पर। हल्के में तरक्याती काम करवाने के लिए हुकूमती MPS ने तरक्याती इदारों से मदद मांग ली। PP 170 से रुकने असम्बली चौधरी अमीन का तरक्याती काम के लिए वजीर आला सेक्रेटेरिएट को खत। वजीर आला ने 6 तरक्याती स्कीमों की फिजिबिलिटी के लिए LDA को टास्क सौंप दिया। हुकूमत 6 माह में 3 बजट पेश करेगी तो सरमायाकारी कैसे होगी? हुकूमती पॉलिसीज के बायस मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। नून लीग ने अगर कर्ज लिया तो वो हराम है, हुकूमत कर्ज ले तो वो हलाल है। आसिफ जरदारी ने जिस फोरम पर नाहिल होना था वहां से दरखास्त वापस क्यों ली गई? रहनुमा नून लीग मुसद्दिक मलिक का सवाल, बोले कोई NRO नहीं हो रहा। नवाज शरीफ और जरदारी के दरमियान राबते की कोशिश नहीं की। मिशन ग्रीन लाहौर फेज 2, बादामी बाग सब्जी मंडी, मुल्तान रोड और कानाकाचा मंडी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। मुल्तान रोड मंडी से 4 कनाल सरकारी अराजी वागुजार। बादामी बाग मंडी की राहदारियों से 100 थड़े और 10 खोखे मिसमार। कान्हा मंडी में दुरानी ऑपरेशन, 200 थड़े और 20 खोखे गिरा दिए गए। सिंहपुरा मंडी और रायवन सब्जी मंडी में ऑपरेशन आइंदा 2 से 3 रोज में किए जाने का इम्कान है। LDA की हाउसिंग स्कीमें फेल होने की वजह, रेवेन्यू डिपार्टमेंट करार। DG आमना इमरान का कहना है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड ना हो तो स्कीम फेल ही होगी। 20 से 30 साल पुराने मामलात का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। मनसा बम और दीगर लोग इस तरह फायदा उठाते हैं। इंतजामिया बेबस, LPG की ब्लैक में फरोख जारी। शहरी महंगे दामों LPG खरीदने पर मजबूर हो गए। गैस प्रेशर मध्यम होने से शहरियों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। हुकूमत गैस की कीमत कंट्रोल करने में नाकाम। सब्जियां मार्केट रेट से महंगी। सिंहपुरा मंडी में आलू 15 रुपए किलो,
टमाटर 35 रुपए, शिमला मिर्च 74 रुपए, करेले 66 रुपए किलो फरोख, लहसुन 6 रुपए के इजाफे से 152 रुपए किलो हो गया। सर्दी की लहर तेज होने पर लंडा बाजारों में रश, जैकेट्स, जर्सियां, जुराबे, मफलर्स, जोगर्स और स्वेटर्स की कीमतें मजीद बढ़ गईं। शहरियों का गर्म कपड़ों की कीमतें कम करने के लिए भाव उताव जारी। सुई नॉर्दर्न गैस की गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। कोट लखपत में कच्चा जेल रोड पर बड़े पैमाने पर गैस का गैर कानूनी इस्तेमाल पकड़ा गया। दूध में मिलावट, सेहतमंद पंजाब के हुसूल में रुकावट। फूड अथॉरिटी के मुख्तलिफ शहर में कार्रवाई। 14,915 लीटर केमिकल ज्यादा दूध तलब। लाहौर जोन में 769 गाड़ियों की चेकिंग। दूर दराज इलाकों से जाली दूध तैयार करके शहरों में सप्लाई किया जाता था। फूड अथॉरिटी। वज़ीर-ए-आज़म सिटीजन पोर्टल पर लाहौर में माहौलियाती आलूदगी की शिकायत के अंबार। सबसे ज्यादा शुमाली लाहौर में फजाई और सनती आलूदगी की शिकायत का इंदराज। प्राइमरी और मिडिल के इम्तिहानात का मामला सुपरवाइजरी स्टाफ के तरबियती सेशंस में शिरकत लाजमी करार। इम्तिहानात के लिए मास्टर ट्रेनर्स की तरबियत 21 जनवरी से शुरू होगी। लाहौर में 504 सेंटर्स कायम। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज के सरबराहान को मरासला जारी। आईटी यूनिवर्सिटी के जेर एहतमाम अल्हम्ब्रा हॉल में थिंक फेस्टिवल का दूसरा रोज। मुल्की और गैर मुल्की मोटिवेशनल स्पीकर्स की शिरकत। वफाकी वजीर इत्तला'आत फवाद चौधरी भी शिरकत करेंगे। फेस्टिवल में किताबों के मुतअद्दिद स्टॉल्स भी लगाए गए। और सलामतपुरा में मार्शल आर्ट सेंटर में जूडो कराटे के मुकाबले। नन्हे मुन्ने बच्चों ने जूडो कराटे में अपनी महारत दिखाकर खूब दाद पाई।